intimated hoarding, perhaps artistic beauty is a constant that stands the magic of time. शायद अंग्रेजी सबके लिए उतना सूटेबल नहीं है, नहीं चलिए हिंदी में बात करते हैं। ये निर्माण शायद ही है जितनी सुंदर है जितनी पहले नहीं होगी। पक्षियों का चहचहाना, शाम गोल्डना, हम इसी को देखने के लिए शाम के वक्त को चूज कर लिए थे। हर दिन यहाँ हजारों की तादाद में लोग आते हैं और अपने बीते हुए कल से परिचित होते हैं कि हम कौन हैं और हम कौन थे, हमारी उत्पत्ति और विकास के बारे में। वो सैकड़ों सालों पहले के कलाकार जिनके बनाए हुए कलाकृतियों को देखकर हम आज भी हैरान हो जाते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐसे ही गैलरी की तरफ जो आज से हजारों सालों पहले की मूर्तियों और कलाओं से भरी है। हम शायद ही अनुमान लगा सकते हैं कि इन मूर्तियों को बनाने में कितना वर्ष, कितनी मेहनत लगी होगी। चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ, वहाँ भी बहुत सारी गैलरीज है जो अभी हमें देखना बाकी है। और इस म्यूज़ियम के बारे में हम क्या ही बताएं, शब्दों का प्रयोग करना शायद व्यर्थ ही होगा। ना जाने कितने वर्षों के स्मृति और घटनाओं का गवा रही होगी ये, और आज भी अपने अंदर उन सैकड़ों सालों पहले की स्मृतियों का एक एल्बम लिखे इंसानों को दिखाती आ रही है। पता नहीं फिर रोज़ यहाँ पर कितने हज़ारों लोग अपने बीते हुए कल से परिचित होने के लिए आते हैं, और हम भी गए थे। और यहाँ पर जो भी जाते हैं वो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके ही लौटते हैं। यहाँ दे चीज़ें लेंगे तो आपको जेल हो जाएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैं बताना चाहूँगा, ऐसे कुछ गैलरीज हैं जहाँ पे वीडियोग्राफी करना बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड था। हम लोगों ने फिर भी बाहर से थोड़ा फ़ोन का जूम का यूज़ करके वीडियो लेने की कोशिश की, जो मुझे लगता है शायद सही नहीं था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट गैलरी की तरफ, परहैप्स विच माइट बी द गैलरी। इसके बाद हमारा इजिप्शियन गैलरी था विच वी कुडंट शो बिकॉज इजिप्शियन गैलरी में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। एंड अब हम लोग शायद आगे अपने किसी दूसरे गैलरी की तरफ मूव कर रहे हैं, और हम लोग जहाँ भी जाएंगे आपको तो ज़रूर दिखाएंगे। उसके पहले इंस्टेड ऑफ टॉकिंग मच, लेट्स एंजॉय दिस रॉ वीडियो ऑफ वॉकिंग थ्रू द म्यूजियम।
वेलकम टू द नेक्स्ट गैलरी विच इज़ जूलॉजिकल गैलरी। इसमें आपको बहुत सारे एनिमल्स के स्पेसिमेन और रेप्टाइल्स, एविस, मैमिलिया जैसे बहुत सारी चीज़ों की फॉसिलाइज्ड स्ट्रक्चर्स या फिर मैनमेड मॉडल्स या प्रिजर्व्ड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। I hope you will like it. और इसी के साथ ही गैलरी ख़त्म होती है। एंड हियर वी हैव शुभम हु हेल्प मी मेकिंग दिस वीडियो अलॉट। तो अब चलते हैं द वर्ल्ड ऑफ इनवर्टिब्रेट्स की तरफ, विच इज़ अनदर न्यू गैलरी। आई विजिटेड इंडियन म्यूजियम सेवरल टाइम्स बिफोर, लेकिन ये गैलरी मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब हम लोग आ गए हैं फॉसिल वाले गैलरी की तरफ, और हम इस गैलरी के फुटेज को जितना हो सके रॉ रख रहे हैं, ताकि यू एन्जॉय द रियल वाइब ऑफ वॉकिंग थ्रू दिस गैलरी।
सो जैसा कि दिख रहा है इस पूरे गैलरी में काफ़ी तरह के रॉक्स एंड स्टोन्स है एज एंड कुछ इन्वर्टिब्रेट्स भी है, नाम दिख रहे होंगे वहाँ पे, है ना। इसमें मैं डिटेल्स में नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन लेट मी शो यू व्हाट आई एम डूइंग दिस वन। सम टाइम नाउ एंड क्योंकि दिख रहा है ये देखो ये फॉसिल जो पहले दिखा दूँ, मैंने काफ़ी इसका दिखा दिया है ऑलरेडी। This is actually amazing. Can you see me? Yeah. ये पूरा गैलरी ही बहुत मज़ेदार है। इसी के साथ ये सफ़र समाप्त होता है क्योंकि म्यूज़ियम बंद होने वाली है और हमने ये जो कुछ पल इस म्यूज़ियम में बिताए और अपने बीते हुए कल से स्वयं को परिचित करवाया, इन पलों को हम हमेशा के लिए अपने मेमोरीज़ के बैग में भर के रखेंगे, अपनी यादों में रखेंगे। और इसी के साथ ये वीडियो भी एक एंड तक आ चुकी है और हम लोगों ने काफ़ी सारा गैलरीज कवर नहीं किया। वी होप दैट यू विल समडे विजिट दिस म्यूजियम एंड एक्सप्लोर देम ऑन योर ओन टू नो देम मोर। और वी होप कि आपका परिवार खुश और हमेशा सफल रहे। और इसी के साथ टाटा, सी यू सून इन सम नेक्स्ट वीडियो।